नमस्कार दोस्तों, वेद मैया कैरियर एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 8 की किताब हमारे अतीत का अध्याय 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, उसके बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। दोस्तों, हमने अध्याय 2 में पढ़ा कि व्यापार से साम्राज्य तक कैसे अंग्रेज़ों ने भारत पर कब्जा किया। उनमें हमने देखा कि सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और वह भारत में आ करके व्यापार करना शुरू करती है, और व्यापार के साथ साथ सन 1757 में जो प्लासी का युद्ध होता है और 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी कैसे शासन अपने हाथ में ले लेती है और भारत के सारे भूभाग पर कब्जा जमा देती है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र पर कंपनी का शासन कैसे चलता है। तो कंपनी दीवान बन गई, तो 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेज़ों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी, लेकिन ऊपर दिए गए चित्र में इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। यह चित्र एक उस चित्रकार ने बनाया है जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेजों के लिए निश्चय ही एक बड़ी घटना थी। दीवानी के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। अब उसे अपनी जमीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफ़ी आमदनी जुटाई जा सके, यानी कि कंपनी अब राजस्व वसूल करने जा रही थी। व्यापारी कंपनी के नाते उसे यह ख्याल भी रखना था कि वह अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदती बेचती रहे। समय के साथ कंपनी को यह भी समझ में आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। बाहरी ताकत होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव देहात में पहले शासन चला चुके थे और जिनके पास अभी भी काफ़ी ताकत और सम्मान था। ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे उन्हें नियंत्रित करना तो जरूरी था, लेकिन उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता था। तो कंपनी के पास ये समस्या थी कि गांवों में कुछ ऐसे लोग थे जो पहले शासन चला चुके थे और जिनके पास काफ़ी ताकत और सम्मान भी था। ऐसे लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे, उन्हें नियंत्रित करना था, उनको खत्म नहीं किया जा सकता था। यह काम कैसे हो, इस अध्याय में हम देखेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया, आय के संसाधन कैसे जुटाए, लोगों के अधिकार किस तरह तय किए और मन माफिक फसलों की खेती कैसे कराई। कंपनी की आमदनी के बारे में पढ़ते हैं। कंपनी दीवान तो बन गई थी, लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। उसकी कोशिश यही थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का कुल मूल्य दोगुना हो चुका था। 1865 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी, लेकिन अब की बात करें तो अब कंपनी खुद दीवान बन गई थी, तो उसे ब्रिटेन से सोना और चांदी की आयात करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थी। जल्दी ही यह जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की दिशा में
बढ़ रही थी, यानी कि बंगाल की जो अर्थव्यवस्था थी वह पटरी पर आ रही थी। सेवनटीन सेवेंटी में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। फिर भी ये जो अकाल पड़ा उनमें भी कंपनी ने कोई सहायता नहीं की, उल्टा वहाँ के जो किसान थे उनके पास से राजस्व भी वसूल किया। आगे देखते हैं खेती में सुधार। तो कंपनी ने अब खेती में सुधार के लिए नई नई पद्धतियाँ को अपनाने का काम किया। अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपनी राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी? कंपनी के ज़्यादातर अफसरों को यह लगने लगा था कि ज़मीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना जरूरी है, और यह काम किस तरह किया जा सकता था, इस सवाल पर 2 दशकों तक बहस चली। आखिरकार कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्थायी बंदोबस्त की जो सिस्टम लागू की वह सिस्टम चार्ल्स कॉर्नवालिस ने लागू की थी। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। ये जो स्थायी बंदोबस्त लागू किया इसमें कुछ शर्तें रखी गई जिसमें राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई, और ये राजाओं और तालुकदारों किसानों से लगान वसूलते थे और कंपनी को राजस्व चुकाते थे और उनको ये जिम्मा सौंपा गया। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई थी। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी उसमें इजाफा नहीं किया जाना था। यानी कि जो राजस्व वसूली का काम था इसमें राजस्व की जो रकम थी वह तय की कर दी गई थी, और उसमें भविष्य में भी कोई इजाफा नहीं किया जाना था। अंग्रेज़ों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और ज़मींदारों को ज़मीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन भी मिलेगा। उन्हें लगता था कि क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए ज़मींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे। मगर स्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। वो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था, उसकी जमींदारी छीन ली जाती। यानी कि कंपनी ने जो स्थायी बंदोबस्त लागू किया था उसमें राजस्व को बढ़ा दिया था, और जो जमींदार राजस्व चुका नहीं पाता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी क्योंकि स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया था, और इस व्यवस्था में राजस्व वसूली का काम जो था उसमें राजस्व तय कर दिया गया था। अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी, लेकिन जमींदारों को अभी भी ज़मीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही अपनी ज़मीन गंवा चुकी थी। वो जो बचे रह गए थे वह अब उन्हें भी बिना परेशानी और निवेश का खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। जब तक जमींदार किसानों को ज़मीन देकर उनसे लगान वसूल सकते थे उन्हें ज़मीन में सुधार की परवाह नहीं थी। दूसरी तरफ गांवों में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। किसान को जो लगान चुकाना था वह बहुत ज़्यादा था और ज़मीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था।
लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था। अगर वह लगान नहीं चुका पाता था तो उसे पूछते ही नहीं ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था। दोस्तों, जो मेंस एग्ज़ाम आती है इसमें इसके बारे में पूछा जाता है कि स्थायी बंदोबस्त के बारे में कुछ टिप्पणियाँ लिखे और स्थायी बंदोबस्त के जो गैर फायदे थे और फायदे थे उसके बारे में चर्चा करके लिखे। तो दोस्तों, यहाँ हमने जो पढ़ा वह हम मेंस एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। स्थायी बंदोबस्त इतना नहीं सफल हुआ जितना वो लोग चाहते थे, इसलिए टॉमस मुनरो ने एक नई व्यवस्था का सुझाव दिया। 19वीं सदी की शुरुआत में ही कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना ज़रूरी है। जब कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्चे चलाने के लिए और पैसे की ज़रूरत हो तो वह स्थायी रूप से राजस्व तय करके काम कैसे चला सकती है। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए हॉल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की जिसे 1822 में लागू किया गया। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव गांव का दौरा किया, ज़मीन की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को दर्ज किया। गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया बल्कि उसमें समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी गई। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गाँव के मुखिया को सौंप दिया गया। इस व्यवस्था को महलवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया। फिर एक नई व्यवस्था लागू की गई, मुनरो व्यवस्था। तो ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में ये जो मैकेंजी ने व्यवस्था दी थी वह उत्तर भारत में लागू की गई थी, और मुनरो व्यवस्था ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में लागू की गई। तो ब्रिटिश नियंत्रण वाले जो दक्षिण भारतीय इलाकों में स्थायी बंदोबस्त की जगह यह मुनरो व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया, वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवार का नाम दिया गया। और यहाँ हम देखते हैं कि उत्तर भारत में जो नई व्यवस्था लागू की उसे महलवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया, और दक्षिण भारत में जो नई व्यवस्था लागू की उसे रैयतवार नाम दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर भी देख लिया था। दोस्तों, हम जानते हैं 1799 में टीपू सुल्तान मारा गया था जिसे शेरे मैसूर कहा जाता था। टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत पर यही व्यवस्था लागू कर दी गई। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क यह था कि उन्हें सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से ज़मीन पर खेती करते आ रहे हैं। राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानीपूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। सब कुछ ठीक नहीं था। नई व्यवस्थाएं लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर उनमें समस्याएं दिखाई देने लगी। जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया गया। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे, रैयत गांवों से भाग रहे थे, बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए थे। आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो जो रैयतवारी और महलवारी व्यवस्था सर टॉमस मुनरो ने दी, उसके पहले हमने जो देखा स्थायी बंदोबस्त, तो इसके बारे में मेंस एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आप फिर से एक बार ज़रूर वीडियो को देखना ताकि आपको समझ आ जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।